हेलो गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, इट इज अ इंग्लिश क्लास एंड वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 6। यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट टू पैराग्राफ इन विच अमित एंड शिवा आर टॉकिंग। अमित इज आस्किंग अबाउट कैप कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट शिवा इज सेइंग इट्स अ हैट एंड व्हाट वाज देयर इन हैट चिल्ड्रन। हाँ, हैट में क्या था? पप्पी और रैबिट। यस, रैबिट वॉज देयर इन द हैट, है ना? रैबिट ये देखे ना आपने कितने लॉन्ग ईयर्स। नाउ इन सेकंड पिक्चर सीमा इज आस्किंग अबाउट एप्पल, व्हाट्स दिस? इट्स एन एप्पल। अगेन आई एम सेइंग व्हाट्स मींस व्हाट इज, व्हाट्स मींस व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, है ना? इट इज चॉक। Similarly, Seema is asking, what's this? Now, Amit is saying, it's an apple. It's an apple. Apple, the color of apple is red. And where was the apple, children? It's in bag or in basket? Bag or basket? Bataiye. Apple bag mein hai, basket mein? Can you tell me? Haan. Apple was in the basket. Bag में नहीं थी, पर basket में। Now in last paragraph, Arif and Rupa are talking. Arif and Rupa. The name of boy is Arif and the name of girl is Rupa. What's this? There is a box of sweet. So Arif is asking, what's this? What Rupa is saying? It's a box of sweets. It means it is. Again, I am telling you. It means it is. It is a box of sweets. Sweets मतलब क्या हुआ? S क्यों लगाया मैंने? क्योंकि वो number of sweets 1 से ज़्यादा है. It's a box of sweets. Are there 5 sweets in the box? Are there 5 sweets in the box? कि क्या वहाँ पर 5 sweets हैं? No, there are 6 sweets in the box. If you can count, you can see in the picture, we can see only 5 sweets. Why? Because 1 sweet, kaun kha raha hai? Yes, is eaten by Arif. There are 6 sweets in the box. Putting 1 sweet in the mouth. Putting matlab, ek sweet ko muh mein rakhte hue, what Arif is saying? Now, there are only 5. अगर 6 स्वीट्स में से एक स्वीट आप खा लेंगे तो हाउ मेनी स्वीट्स आर लेफ्ट? 1 माइनस कर देंगे, अभी करो ना मैथ्स में सबट्रैक्शन भी। अगर 6 माइनस 1, 6 स्वीट में से 1 स्वीट आपने खा लिया, हाउ मेनी स्वीट्स आर लेफ्ट? इजीली यू कैन डू दिस, 5। तो दिस इज चैप्टर अबाउट व्हाट्स दिस। तो चिल्ड्रन, यू ऑल हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड यू हैव टू राइट डिफिकल्ट वर्ड्स। ना जो अंडरलाइन वर्ड, जो मैं वर्ड बोर्ड पे लिख रही हूँ ना, यू हैव टू अंडरलाइन इन योर बुक एंड राइट डाउन इन योर कॉपी ऑल्सो। ना राइट डाउन अंडरलाइन वर्ड पप्पी, देन नंबर 2 इज रैबिट, नंबर 3 इज बास्केट। दीज आर न्यू वर्ड्स टू ऑल ऑफ यू, सो यू हैव टू लर्न इट्स स्पेलिंग्स। एप्पल, then number 5 is sweets, 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 and mouth. So these 6 spellings, firstly you will underline in your book and then you all will write these 6 words in your copy. Puppy, rabbit, basket, apple, sweets and mouth. Okay, now after this small exercise we will do in your book, page number 57. Circle the correct words in these sentences. आपको सही वर्ड को सर्कल करना है। सर्कल जानते हो? सर्कल मतलब गोला बनाना है। Read first sentence. There is a rabbit in the hat or cap. There is a rabbit in
बताइए किसमें रैबिट? हाँ आपने पढ़ा ना अभी फर्स्ट पैराग्राफ में कि रैबिट इज इन द, देखो ध्यान से, हैट। सो यू विल सर्कल वर्ड हैट, यस अपने सर्कल नंबर वन। आप पढ़िए, देयर इज अ रैबिट इन द हैट, डन। ओके नंबर टू, देयर इज एन एप्पल इन द बैग और बास्केट, देयर इज एन एप्पल इन बैग और बास्केट। मेरे सब बच्चों को पता होगा, मैं ध्यान से सुना होगा, मैं आपने कल ड्रॉ भी किया था ना बास्केट, तो एप्पल क्या बताइए? इन द बास्केट। सो सर्कल बास्केट ऑल्सो। एंड लास्ट थ्री, देयर आर स्वीट्स इन द बॉक्स और डिश। नंबर थ्री, देयर आर स्वीट्स इन द बॉक्स और डिश। डिश आपके डिश मतलब क्या होंगे? प्लेट जैसे। तो बस स्वीट्स किसमें बताइए? हाँ स्वीट्स तो देखिए ये गई बॉक्स, यस। तो यू विल सर्कल बॉक्स थ्री सेंटेंसेस। नाउ दिस थ्री सेंटेंसेस यू विल डू इन योर बुक। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थ्री सेंटेंसेस। देयर इज अ रैबिट इन द हैट। नंबर टू, देयर इज एन एप्पल इन द बास्केट। एंड थर्ड, देयर आर स्वीट्स इन द बॉक्स। सो चिल्ड्रन डू दी ऑल दिस थ्री सेंटेंसेस in your copy। Okay children, now complete this all six words in your copy and this three sentences in your book।